विशेष राज्य के मुद्दे पर लालू की राजद और नीतीश की जदयू एक ही पन्ने पर है। दोनों की पार्टियों ने स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर अपना अपना रुख साफ कर दिया है। पहले जदयू के संजय झा ने केंद्र से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की। इसके बाद सर्वदलीय बैठक में राजद ने भी कहा कि समावेशी विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। बजट पूर्व दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग वापस उठाई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ये जानकारी राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने रविवार को दी। राजद प्रवक्ता ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में राजद की ओर से पार्टी सांसद एडी सिन्हा ने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार के समावेशी विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक देश के सभी राज्यों का समावेशी विकास नहीं होता, केंद्र सरकार की विकसित भारत की कल्पना बेमानी है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग तक इस बात को स्वीकार कर चुका है कि विकास के पैमाने पर बिहार अभी काफी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के निर्णय की घोषणा संसद के वर्तमान सत्र में ही की जानी चाहिए। बता दें कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर लालू नीतीश की पार्टी एक ही पन्ने पर नजर आ रही है। रविवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जदयू लंबे अवधि से करता रहा है। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान से दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी रैली भी कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर किसी तरह की तकनीकी समस्या है तो केंद्र सरकार बिहार के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध कराए। नीतीश कुमार का बीजेपी से गठबंधन 1996 में शुरू हुआ, जो पहली बार नरेंद्र मोदी की वजह से साल 2013 में टूट गया। नीतीश ने गुजरात दंगों की वजह से नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार से रोक दिया था, लेकिन जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया, तब नीतीश कुमार ने नाराज होकर बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया। साल 2014 का चुनाव जब उन्होंने अकेले लड़ा तो उन्हें बिहार में महज 2 सीटें मिली। फिर उन्होंने अपनी घोर विरोधी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और साल 2015 का चुनाव भारी बहुमत से जीत गए, लेकिन जल्दी ही महागठबंधन से उनका मोह भंग हो गया। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद साल 2017 में वो फिर से एनडीए में चले गए। नीतीश कुमार ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीटें एनडीए के हिस्से में आई, लेकिन जल्दी ही केंद्र के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये विवाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तब और गहरा गया जब जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें आई। नीतीश कुमार को लगा कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है। रही सही कसर आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद पूरी हो गई। आरोप लगा कि बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को तोड़ना चाहती है। इसी आधार पर बिहार में साल 2022 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।